हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी इतिहास की क्लास है। इसमें हम अपने प्राचीन इतिहास से धीरे धीरे बढ़कर पूर्व मध्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं और जो अंतिम क्लास में हम बात कर रहे थे चोल साम्राज्य की और इनके जो आरंभिक इतिहास था या फिर कह सकते हैं जो इनके आरंभिक शासक थे इनके बारे में हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी के शासक बचे हुए हैं उनके द्वारा किस प्रकार से चोल साम्राज्य का विस्तार किया गया और एक सामंत से ये लोग कैसे इतने साम्राज्य के संस्थापक बन गए, कैसे क्षेत्र विस्तार किया, इन सब पहलुओं को देख रहे थे। आरंभिक जो शासक थे इन्होंने तो हमने देख लिया, लेकिन अब जो आगे के शासक बचे हैं इनको भी देख के फिर चोलकालीन साम्राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक, राजनैतिक, स्थापत्य, इन सब पहलुओं को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसा कि इस मैप को भी हमने कला को दिखाया था, तो ये सारा क्षेत्र जो है आपका ये चोल प्रभाव के अंतर्गत था। अब किस प्रकार से यहाँ पर चोल आपको देखने को मिलेंगे इसकी हम चर्चा देख कर लेते हैं। जितना भी आप ये ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं ये पूरा हिंदुस्तान का दक्षिणी भाग, उसके बाद जो श्रीलंका का उत्तरी भाग है ये वाला पूरा जो रीजन है ये क्या है, चोल साम्राज्य के नियंत्रण में, ये क्या है, चोल साम्राज्य के नियंत्रण में यह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा आपका, इसमें जितना भी आप पिंक कलर का देख रहे हैं चाहे ये वाला हो चाहे आपका श्रीलंका का दक्षिणी भाग हो, ये पूरे जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये क्या है, इन क्षेत्रों पर चोल प्रभाव था, इनका नियंत्रण ना होके इनका प्रभाव इन क्षेत्रों पर रहा था। इसके बाद आप एक ब्लू कलर की लंबी सी लाइन देख रहे हैं, जो लाइन है ये व्यापारिक मार्ग है, ये क्या है, ये आपका व्यापारिक मार्ग है, ठीक है, ये व्यापारिक आपके मार्ग हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है, इतना क्लियर, ये मैं कल ही बताया था, फिर से आपको एक बार समझा दिया। अब यहाँ पर हम राजेंद्र द्वितीय को देख चुके थे और इनके बाद वीर राजेंद्र को भी देख चुके थे। मतलब यहाँ पर ये है कि 1070 तक हमने साम्राज्य विस्तार देख लिया था, किस प्रकार से चोल शासकों का चलता रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज हम आएंगे कहाँ पर, आज हम पहुंचेंगे कुलोत्तुंग प्रथम पर। ये आपके एक और अन्य शासक होंगे चोल साम्राज्य से संबंधित, और इनका जो साम्राज्य था ये 1070 से लेके 1122 या फिर कह सकते हैं 1130 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनसे संबंधित जो यहाँ पर डेट है ये एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, आरंभ 1070 से होगा इनका साम्राज्य, 1122 तक चलेगा फिर 1130 तक, ये क्लियर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। अब ये जो शासक है कुलोत्तुंग प्रथम, इनके बारे में हम कह सकते हैं तो इनमें क्या था, चोल तथा चालुक्य दोनों वंशों से संबंधित थे। कौन थे ये, चोल और चालुक्य दोनों वंशों से इनका संबंध रहा है। जैसा कि पिछले जमाने में पहले के समय में जो शासक हुआ करते थे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ना सिर्फ युद्ध का सहारा लेते थे बल्कि वैवाहिक संबंधों को भी स्थापित करने का सहारा ये लोग लिया करते थे। क्या करते थे, वैवाहिक संबंधों को भी स्थापित करने का ये लोग सहारा लिया करते थे। तो यही वैवाहिक संबंधों का सहारा लेते हुए आप देखें जो कुलोत्तुंग प्रथम होंगे ये चोल और चालुक्य दोनों राजवंशों से संबंधित होंगे। आगे आप देखेंगे इन्होंने क्या किया, कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा लगाए गए कई सारे अलोकप्रिय करों को हटा दिया। अब कर कैसे लिए जाते थे, तो इस समय कई प्रकार के कर प्रचलित थे, मतलब दैनिक क्रिया में आप कुछ भी काम करेंगे उस पर आपसे कर लिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर नारियल तोड़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करता है, नारियल के पेड़ काफी लंबे लंबे होते हैं, तो अगर आपने नारियल को तोड़ने के लिए सीढ़ी का भी प्रयोग कर दिया तो आपसे उस सीढ़ी के ऊपर भी कर के रूप में कुछ ना कुछ राशि वसूल की जाएगी। तो इस प्रकार के अलोकप्रिय कर इस समय यहाँ पर विद्वान थे और इन्हीं करों को कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा हटा दिया गया। अब जब इन करों को यहाँ पर हटाया गया तो आप देखेंगे सुगत दर्भित नाम की उपाधि इन्हें धारण प्रदान की गई। क्या की गई, सुगत दर्भित नाम की उपाधि इन्हें प्रदान की गई, किसे, कुलोत्तुंग प्रथम को। क्यों, इन्होंने कई सारे अलोकप्रिय कर अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए थे उन्हें हटा दिया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक विजय दिखाई देगी, कलिंग विजय। अब आप बोलोगे कलिंग विजय तो अशोक ने की थी, लेकिन कलिंग हमेशा से स्वतंत्र रहा था और अल्प समय के लिए कोई भी इसके ऊपर शासन कर सकता था, लंबे समय तक कोई यहाँ पर नियंत्रण नहीं कर सकता, जैसे कि आज की स्थिति अफगानिस्तान की है। पहले ब्रिटेन वालों ने नियंत्रण करने की कोशिश की, फिर यूएसएसआर वालों ने कोशिश की, अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर सफल नहीं हो पाया।
उसी प्रकार से कलिंग के ऊपर हमेशा से आप देखेंगे कोई ना कोई शासक नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, कुछ समय के लिए इसका ऊपर नियंत्रण कर पाएगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। आज की डेट में भी हमारी राजनीति में जहां अन्य राज्य अलग रहते हैं, वहीं आप देखेंगे तो उड़ीसा के बारे में आप ज्यादा चर्चा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उड़ीसा जो क्षेत्र यही कलिंग का क्षेत्र था, इसमें आप देखेंगे यहां पर जो सेनापति थे करुणाकर तोंडोमाल, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, पर एक विद्रोही राजा थे अवंती बर्मन, इनके पराजित किया गया। चोल जो सेना थी उसका सेनापति था करुणाकर तोंडमान, इनके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई पर यहाँ पर एक विद्रोह किया जा रहा था, किसके नेतृत्व में, अवंती बर्मन के नेतृत्व में, इनको यहाँ पर पराजित किया गया। और कलिंग क्षेत्र क्या हुआ, यहाँ पर कलिंग क्षेत्र एक बार पुनः चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इनके शासनकाल में यानी कि चोल शासकों के शासनकाल में सिंघल द्वीप है, कौन सा वाला, श्रीलंका वाला, सिंघल कहाँ पर है, श्रीलंका वाला ये द्वीप है, इसके नरेश थे आपके विजय बाहु, इन्होंने क्या किया, चोल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गए थे, क्या था, विजय बाहु चोल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गए थे, इन्हीं के समय की घटना है। विजयादित्य सप्तम की मृत्यु का, यहाँ पर एक शासक और है विजयादित्य सप्तम, इनकी मृत्यु का जो बेंगी है, बेंगी भी एक सल्तनत है, इसके पूर्वी हिस्से में क्या चालुक्य राजा राज्य को चालुक्य अपने राज्य का हिस्सा बना लेंगे, बेंगी जो थे इनके चालुक्य, इनके पूर्वी हिस्से में चालुक्य राज्य था, उसको क्या किया जाएगा, चोल शासकों के द्वारा अपने हिस्से अपने राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुलोत्तुंग प्रथम जो शासक है ये क्या है, ये शिव भक्त है, कौन है, ये शैव भक्त, शैव परंपरा को मानने वाला एक भक्त है, शिव भक्त है, फिर भी इसके द्वारा नागपट्टनम के एक बौद्ध मंदिर है उस मंदिर को बड़ी मात्रा में अनुदान दिए जाएंगे, उस मंदिर को यहाँ पर बड़ी मात्रा में धन दान दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कुलोत्तुंग प्रथम जब शिव भक्त है तो इसने बौद्ध धर्म के या फिर बौद्ध मंदिरों को दान क्यों दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे बौद्ध भी क्या हिंदुओं का हिस्सा ही रहेंगे, और यहाँ पर जो शासक बौद्ध धर्म को संरक्षण देगा वो हिंदू धर्म को भी देगा, यानी कि हिंदुओं के देवी देवताओं को भी देगा और हिंदू धर्म को मानने वाले बौद्ध संरक्षण को भी यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। ना सिर्फ कुलोत्तुंग प्रथम बल्कि इनके पूर्ववर्ती कई चोल शासक हम देख चुके हैं कि जैन बौद्ध और हिंदू धर्म तीनों को समान रूप से यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इनके इसके द्वारा चिदंबरम मंदिर, चिदंबरम मंदिर एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी चर्चा हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो इनके द्वारा चिदंबरम मंदिर और श्री रंगम की समाधि का क्या है, विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर दो समाधियां थी, एक तो आपके चिदंबरम मंदिर की है, दूसरी आपके श्री रंगम की है, यहाँ पर जो समाधियां हैं इनका विस्तार इनके द्वारा यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, अब कुलोत्तुंग प्रथम के बाद आएंगे कुलोत्तुंग द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1133 से लेकर 1150 तक, मतलब एक लंबा कार्यकाल यहाँ पर ये देखते हुए आपको पाए जाएंगे। और अगर हम कुलोत्तुंग द्वितीय की बात करते हैं तो कुलोत्तुंग द्वितीय कौन थे, शिव अनुयायी थे या शैव अनुयायी थे, मतलब शिव भगवान की पूजा करने वाले ये अनन्य भक्त थे, लेकिन इन्होंने एक यहाँ पर क्या है, एक दुस्साहसिक काम किया जिसके तहत जो चिदंबरम मंदिर है, इस चिदंबरम मंदिर में गोविंद राज की मूर्ति स्थापित थी। अब देखो अभी तक जो चोल शासक हैं वो हर धर्म को हर वर्ग को लेकर चलने की नीति अपना रहे हैं, लेकिन कुलोत्तुंग द्वितीय एक प्रकार से कट्टर शासक आपको देखने को मिलेगा, और ये क्या करेगा, चिदंबरम मंदिर में जो गोविंद राज भगवान की मूर्ति होगी जिसे हम कह सकते हैं विष्णु भगवान का ये अवतार थे, गोविंद राज कौन थे, विष्णु भगवान के अवतार थे, तो गोविंद राज की मूर्ति को कुलोत्तुंग द्वितीय ने उठवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, क्योंकि ये शैव अनुयायी था, वैष्णव धर्म को नहीं मानता था या फिर वैष्णव संप्रदाय को नहीं मानता था, धर्म कहना गलत होगा, संप्रदाय कहना ज्यादा सही होगा। इसी प्रकार से जो जैन और बौद्ध है ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, लेकिन हमने इन्हें क्या किया, हमने इन्हें धर्म के रूप में मान्यता दी जिससे ये एक अलग धर्म में स्थापित हुए। अब आगे आप देखेंगे रामानुजाचार्य, अब जो रामानुजाचार्य है इनके द्वारा ये जो मूर्ति को कुलोत्तुंग द्वितीय ने समुद्र में फेंकवाया था उसको ढूंढ के लेके आएंगे, और कहां पर, ये तिरुपति में जो प्रतिष्ठित मूर्ति है आप देखते हैं जिस मूर्ति को, यह वही मूर्ति है जिसे कुलोत्तुंग द्वितीय ने उठा के समुद्र में फेंक दिया था, जिसे रामानुजाचार्य ने ढूंढा और इसे तिरुपति के मंदिर में
फिर से स्थापित करवा दिया। ठीक है, तो ये तिरुपति की मूर्ति वही देखने को मिलती है जो कभी चिदंबरम मंदिर में हुआ करती थी। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब देखो, अंतिम चोल शासक कौन होंगे? अंतिम चोल शासक की अगर हम बात करते तो राजेंद्र तृतीय हमें देखने को मिलते हैं। इनका कार्यकाल है 1236 से लेके 1251 तक। कौन सा कार्यकाल है? 1236 से लेके 1251 तक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार से यहां पर आप देखेंगे पांड शासक जटावर्मन सुंदर ने के अधीन से बना लिया था। किसने क्या किया था? राजेंद्र तृतीय को, जो यहां पर आपके पांड शासक है जटावर्मन सुंदर, इन्होंने अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय को अपने अधीन कर लिया था। ठीक, और आने वाले समय में आप देखेंगे राजेंद्र तृतीय पांड शासक के सामंत के रूप में 1251 से लेके 1279 तक शासन करते रहेंगे। अब इसमें आप देखिए, इनका राज एक सामंत के रूप में प्रारंभ हुआ था और अंतिम रूप से फिर से ये पांड शासकों के सामंत के रूप में ही स्थापित हो गए। तो ये पूरा जो पद्धति थी, पहले पल्लवों को थे, अब पांडवों के हो गए। ठीक है, तो ये पूरी जो इतिहास है ये किसका है? ये हमारे जो शासक हैं जिनकी हमने बात की यहां पर, चोल शासक, इनके बारे में, इनके शासकों के बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली और विस्तृत रूप से चर्चा कर लिया कि किस शासक के द्वारा कितने कार्य किए गए थे, कैसे विजय की गई थी, किससे युद्ध किए गए, कैसे साम्राज्य विस्तार किया गया। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हुए चोल प्रशासन की बात करने वाले हैं, चोल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, किस प्रकार से इनके साम्राज्य के अंतर्गत अन्य गतिविधियां चलती थी। तो अब हम इनके प्रशासन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं। चोल प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो चोलों का जो शासन था एक गणतांत्रिक राजतंत्र था। कैसा राजतंत्र था इनका? गणतांत्रिक राजतंत्र था एक प्रकार का। ठीक है, अगर एग्जाम पूछा जाए निम्नलिखित में से किस प्रकार का चोल शासक देखने को मिलता है तो गणतांत्रिक राजतंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इनके साम्राज्य की जो विशेषता थी इसके तहत आप यहाँ पर देखेंगे विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ अत्यधिक स्थानीय स्वायत्तता। क्या विशेषता हुई इनके राज्य की? प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ में अत्यधिक स्थानीय स्वायत्तता इनके राज्य में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रशासन के मध्य भाग में कौन होगा? देखो हम बात करते हैं प्रशासन के केंद्र की, और जब हम चोल शासकों के प्रशासन के केंद्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो देखने को मिलता है वो कोई और नहीं, स्वयं राजा आपको देखने को मिल जाएगा। राजतंत्र में यही चीज आपको देखने को मिलेगी, जहां लोकतंत्र में या फिर गणतंत्र में जो आपकी शक्तियां होती हैं विभाजित रहती हैं कई इकाइयों में, तो राजतंत्र में यहाँ पर शक्ति एक हाथ एक व्यक्ति के हाथ में ही देखने को मिलेगी। और जो राजा है ये अकेले तो सारे काम कर नहीं सकता, तो राजा की सहायता के लिए आपको एक मंत्री परिषद या कह सकते हैं उच्च अधिकारियों की पूरी एक फौज देखने को मिलेगी जो राजा को उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपन्न करवाने में मदद कर रही है। ठीक है, अब देखो उच्च अधिकारियों को उड़न कुट्टम के नाम से जाना जाता था। जो चोल साम्राज्य के अंतर्गत उच्च अधिकारी हैं इन्हें हम उड़न कुट्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उड़न कुट्टम। तो यूपीएससी में अगर आपसे कभी आपसे पूछे उड़न कुट्टम नाम का प्रयोग किस शासक के लिए किया जाता है, किन शासकों के लिए किया जाता है या फिर किस वर्ग के लिए किया जाता है, तो यहां पर कौन होंगे? तो चोल साम्राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे, उन्हें हम उड़न कुट्टम के नाम से जानेंगे। फिर आगे जब हम आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे नगद वेतन के बदले यहां पर क्या है, यहां पर भूमि अनुदान दी जाती थी। मतलब चोल साम्राज्य के अंतर्गत किसी भी अधिकारी को क्या था, यहां पर नगद वेतन देने का प्रावधान नहीं था, बल्कि उसकी जगह इन अधिकारियों को क्या था, एक विशेष प्रकार से भूमि अनुदान दिए जाते थे। अब भूमि अनुदान देने से किसी व्यक्ति को कैसे लाभ होगा, इस चीज को हम यहाँ पर आपको मैप के द्वारा एक बार समझा दे देते हैं, है ना? इसको हम क्या है, एक बार आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो मान लीजिए जैसे आप कल को आईएएस बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको अपना उदाहरण लेते हैं, आपको ही मान लेते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, और आईएएस ऑफिसर होते हुए आपकी जो सैलरी है
ये 2 लाख रुपए है। कितनी है आपकी सैलरी? आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है। अब राज्य आपसे बोल दे, केंद्र सरकार आपसे बोल दे कि हम लोग पैसा को प्रिंट करना बंद कर रहे हैं और जितनी भी बैंकिंग की तकनीक है इन सब बंद कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर सरकार को आपको पैसा देने के लिए या तो बड़ी मात्रा में सिक्कों और मुद्राओं को ढालना पड़ेगा। तो सरकार क्या करती थी इसके बदले, यानी कि आपको नगद वेतन के बदले, तो सरकार क्या करती थी, नगद वेतन ना देकर, ठीक है, नगद वेतन ना देकर। देखो आज की तरह पहले के समय ना तो आपके ऐप थे ना ही आपकी अन्य चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना, जैसे फोन पे गूगल पे, है ना, ये तो पहले थे नहीं। तो नगद वेतन आपको नहीं दिया जाता था, उसके बदले क्या किया जाता था, उसके बदले आपको राज्य के अंतर्गत भूमि का एक भूभाग दे दिया जाता था। क्या किया जाता था? भूमि का एक भूभाग आपको प्रदान कर दिया जाता था। अब जैसे कि मान लीजिए ये पूरा राज्य है और इस राज्य के अंतर्गत आपको कोई छोटा सा क्षेत्र दे दिया गया। अब ऐसा नहीं था कि आपको कहीं से भी कोई भी क्षेत्र का हिस्सा दे दिया जाए, बल्कि आपको जो हिस्सा दिया जाएगा उसकी जो आपका सैलरी फिक्स हुई है, जैसे मासिक 2 लाख रुपए, तो ऐसा क्षेत्र दिया जाएगा आपको जहां से आप मासिक 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकें। यहां से जैसे आप कर के रूप में 2 लाख रुपए लेंगे, ठीक है, यहां से क्या है, आप इस भूमि से कर के रूप में यहाँ के लोगों से 2 लाख रुपए लेंगे। तो ये तो आपकी सैलरी हुई, जो राज्य आपको देना चाहता था उसके बदले राज्य ने आपको एक क्षेत्र दे दिया, यहाँ से आप अपनी सैलरी कलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे निर्धारित होगा कि इस भाग से आप सिर्फ 2 लाख रुपए का ही कर लें, हो सकता है 3 लाख का भी ले लें, 4 लाख का भी ले लें। तो देखो जो अतिरिक्त रकम बचेगी, जैसे आपने यहां से 2 की जगह 3 लाख रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, तो अब इसमें जो 1 लाख अतिरिक्त सैलरी कितनी है आपकी, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो आपने अतिरिक्त बचाया है, इसे हम बोलते हैं फवाजिल रकम। क्या कहते हैं इसे? हम बोलते हैं फवाजिल रकम या फिर अतिरिक्त रकम। तो जो 1 लाख रुपए आपको अतिरिक्त रकम के रूप में प्राप्त हुआ है, इसका आप क्या करेंगे, इसका आप कुछ नहीं करेंगे, ये आप राज्य को या फिर केंद्र को सौंप देंगे। क्या करेंगे, ये आप राज्य के सुपुर्द कर देंगे 1 लाख रुपए। तो इस हिसाब से जो आपकी सैलरी फिक्स की गई है 2 लाख रुपए, ये आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है। अब आते हैं अपने क्लास पर। इसी प्रकार से राज्य के महत्वपूर्ण जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें राज्य के ही अंतर्गत अलग अलग भूभागों से यहाँ पर क्या था, जमीन के रूप में अनुदान या फिर भूमि के रूप में उनके वेतन की प्रावधानता की जाती थी, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चोल शासकों ने जो मुद्राएं चालू की थी, जो मुद्राएं प्रचलित की थी, उन मुद्राओं पर आप इनके राज्य चिन्ह को देखेंगे। क्या देखेंगे, इनके राज्य चिन्ह को देखेंगे, जो व्याग्रह मुद्रा कहलाती थी, ठीक। तो चोल शासकों के अंतर्गत कई प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं व्याग्रह मुद्रा जो थी उसके ऊपर हम चोलों की राजकीय चिन्ह या फिर राजकीय मुहर को देखते हैं, जैसे कि आप इस सिक्के में यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको इसको एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर क्या है सही से आप इसे देख सकें। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये चोल शासकों के अंदर आप राज के मुद्रा देखेंगे जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा व्याघ्र चिन्ह, ठीक है, ये चोलों की मुद्रा देखने को मिलेगी। देख लीजिए एक बार, फिर हम आते हैं अपनी क्लास पर। ये देख लिया आपने, अब हम आते हैं अपने आगे के क्रियाक्रम पर, आगे के वार्तालाप पर, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। तो देखो अब यहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट देखना है, ये चोल प्रशासन की इकाइयां देखनी है। देखो यूपीएससी हमेशा या फिर स्टेट पीसीएस की हम बात करते हैं तो प्राचीन काल से प्रश्न पूछेगा, तो उसका सबसे फेवरेट जो टॉपिक रहा है चोल प्रशासन ही रहा है। इससे संबंधित कई प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो चोल प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र में तो राजा है और राजा की सहायता के लिए कई अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं, और अधिकारियों को हम किस नाम से जानते हैं, अधिकारियों को हम उडनकुट्टम के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो जो मंडलम प्रांत थे इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, यहाँ पर आप देखेंगे राजकुमार होगा। देखो पहले तो पूरा एक देश है चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य कई मंडलों में विभाजित होगा, कई प्रांतों में विभाजित होगा, जिस प्रकार से केंद्र के द्वारा आज की डेट में प्रशासन प्रांतों में राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। गवर्नर कौन होता है, सरकार का भरोसेमंद व्यक्ति ही गवर्नर के रूप में
बैठाया जाता है जो केंद्र के प्रति वफादार रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सर्वोच्च अधिकारी होंगे आपके, ये कौन होंगे, ये राजकुमार होंगे। कौन होंगे, जो आपके मंडलम या जो प्रांत हैं इनमें जो सर्वोच्च अधिकारी हमें देखने को मिलता है ये राजकुमार ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो राजकुमार के अलावा अगर किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट करना हो, जैसे कोई राजकुमार मौजूद नहीं है या फिर प्रांतों की संख्या अधिक है, राजकुमारों की संख्या कम है, तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे नए जो परिवार के सदस्य होंगे, यानी कि जो परिवार के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण सदस्य होंगे, उन लोगों को यहाँ पर मंडल या फिर मंडलम या फिर प्रांत का अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो पराजित राजवंश के राजा थे, आप देखो आपने किसी राजवंश को पराजित किया लेकिन है तो वो आपके साथ समकक्षी, आप जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो, भारत पाकिस्तान को पराजित कर दे, अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ में आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो एक किसी देश का राष्ट्रपति है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसे मतलब एक तरह से जानवर की तरह ट्रीट करना प्रारंभ कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे चोल शासकों के द्वारा जिन शासकों को पराजित किया गया उन शासकों के युवराजों के साथ और उन शासकों के राजवंशों के साथ में भी सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था और कई बार इन्हें भी प्रांतों के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था, ठीक है। ये क्या है, इन्हें भी परिवारों जो पराजित राजा थे उनको राजकुमारों को भी कई बार प्रांतों के अपने मंडलम के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। अब ये जो आपके राजकुमार हैं या फिर हम कह सकते हैं मंडलम या फिर प्रांतों के जो अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी हैं, ये हमेशा जो चोल शासन के केंद्र में शासक रहेगा उसके नियंत्रण में रहेंगे, चोल जो राजा है उसके नियंत्रण में आपको ये देखने को मिलेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर जब हम आगे आएंगे तो राज्य प्रशासनिक इकाई की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो आगे आप देखेंगे कोट्टम अथवा बलनाडु। ये कोट्टम अथवा बलनाडु कौन है, इन्हें हम समझ सकते हैं आधुनिक कमिश्नर की भांति, जैसे आधुनिक कमिश्नर होते हैं उनकी तरह हम इन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर आगे जाकर हम विस्तारित रूप से एक एक चर्चा करेंगे। अगर यूपीएससी से पूछा जाए कोट्टम या बलनाडु किस राजवंश से संबंधित था, तो चोलों से संबंधित थे। वर्तमान में इनकी तुलना हम आधुनिक कमिश्नर से कर सकते हैं। फिर आगे जाकर यहाँ पर आप देखेंगे नाडू देखने को मिलेगा, और नाडू कौन है, आपके आधुनिक जिले के समान हो गए, ठीक है, जिसे हम आधुनिक जिला कहते हैं वो आपके नाडू है, ठीक। अब देखो सबसे ऊपर राज्य, फिर मंडलम, राज्य के अंदर क्या होगा, मंडल, जैसे आज देश है उस समय राज्य कहते थे, और जो आज राज्य है उन्हें हम मंडलम कहते थे, और जिन्हें हम आज जिले कहते थे उसे हम नाडू कहते थे, ठीक। तो यह आधुनिक जिले के समान थे। यह अब यहाँ पर पूरा कार्य संचालन करने के लिए, यानी कि नाडू का पूरा कार्य संचालन करने के लिए एक समिति होती थी, क्या होती थी, नाडू का कार्य संचालन करने के लिए एक समिति होती थी। इस समिति को यहाँ पर आप देखेंगे या फिर इस सभा को आप देखेंगे हम नाटार कहलाते थे, क्या था, यहाँ पर हम इसे नाटार कहते हैं, ठीक। अब देखो नाटार में जिले के सभी गांव तथा नगरों को जो के प्रतिनिधि होती है। अब जो नाटार नाम की यहाँ पर सभा है, क्या है, यहाँ पर नाटार नाम की जो सभा है, इस सभा के अंतर्गत यहाँ पर हम देखते हैं कि जिले के सभी गांव तथा नगरों के प्रतिनिधि होंगे। जैसे कि आपने देखो जिला परिषद जो होती है इसमें नगर और जो यहाँ पर ग्राम होते हैं उनके सदस्य हमें देखने को मिलते हैं, सॉरी, जैसे आज की डेट में हम जिला परिषद के अंतर्गत क्या देखते हैं, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जिले के अंदर अधिकारी होते हैं, गांव के प्रतिनिधि, शहरों के प्रतिनिधि, ये सब शामिल होते हैं। उसी प्रकार से नाटार में भी आप देखेंगे जिले के सभी गांव और नगरों के प्रतिनिधि हमें देखने को मिलते हैं। आगे जाकर आप देखेंगे कुर्रम, क्या देखेंगे आगे जाकर आप देखेंगे कुर्रम, और जब हम कुर्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर ग्राम संघ, ठीक, क्या है ये, एक ग्राम संघ का यहाँ पर कह सकते हैं आधुनिक तहसील की भांति। कुर्रम क्या है, ग्राम संघ है, यानी कि आधुनिक तहसील की भांति ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते। फिर हम आगे चलेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम सभा, और ग्राम सभा की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक ग्राम पंचायत के समान थी। यह प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई देखने को मिलेगी, यानी कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो चोल साम्राज्य के अंदर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के तौर पर हमें ग्राम पंचायत देखने को मिलती है, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखना ग्राम पंचायत चोल साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। अब यहाँ आप देखिए नगरम, नगरम क्या है, व्यापारिक नगरों की सभा थी,
ठीक है। अब जो व्यापारिक नगर है इनकी जो सभा होगी इसे हम नगरम के नाम से जानेंगे, ठीक है। व्यापारिक सभा नगरों की नगरम के नाम से जानी जाती थी। अब यहां पर देखो आगे जब आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे ग्राम प्रशासन, क्या चीज, यहां पर ग्राम प्रशासन का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य जो है ये अपने ग्राम प्रशासन के लिए काफी लोकप्रिय था, इसकी जो ख्याति थी यानी चोल साम्राज्य जो कोई ख्याति थी ये अपने ग्राम प्रशासन के लिए जानी जाती थी। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है किस राजवंश या फिर किस शासक या फिर किस साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई या फिर किस साम्राज्य की विशेषता के तौर पर हम ग्राम प्रशासन को देखते हैं, तो ये कौन होगा आपका, ये चोल साम्राज्य हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर आप देखिए एक अभिलेख है उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर से प्राप्त प्रांतक प्रथम, ये जो प्रांतक प्रथम शासक हैं इनका उत्तर मेरूर से प्राप्त हमें एक अभिलेख देखने को मिलता है। और इस अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो ये अभिलेख कब से कब तक है, 919 से लेकर 921 ईस्वी के मध्य में देखने को मिल जाएगा। और इस लेख में आप देखेंगे चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख किया गया है, क्या किया गया, चोलकालीन जो ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था है इसके बारे में हमें यहां पर बताया गया है। यहां तक क्लियर है, तो आपको कुल मिलाकर ये याद रखना है कि उत्तर मेरूर जो आपके प्रांतक प्रथम का एक लेख है 919 ईस्वी से लेकर 921 ईस्वी के मध्य का है, इसमें हमें चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं और आगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे चोल प्रशासन क्या है, यहां पर ग्रामीण स्वायत्तता के लिए लोकप्रिय था, क्या था, चोल साम्राज्य के अंतर्गत जो ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था थी ये अपनी एक उत्कृष्ट उदाहरण को प्रस्तुत करती है कैसे यहां पर चोल ग्रामीण व्यवस्था को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये कई बार प्रश्न आपका यूपीएससी से पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा चोल प्रशासनिक व्यवस्था थी ये, आपको ग्रामीण व्यवस्था उन्नत रूप में देखने को मिलेगी। अब हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो अब हम यहां पर आएंगे तो चोल ग्राम की प्रमुख संस्था की बात करेंगे, क्या है, ग्राम प्रशासन की मुख्य संस्थाएं कौन सी थी, ठीक। हमने ये तो देख लिया कि चोल साम्राज्य की जो ग्रामीण व्यवस्था है काफी उन्नत है, लेकिन किन आधारों पर उन्नत है इसके बारे में एक बार मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ग्राम प्रशासन की मुख्य संस्थाएं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे सामान्य ग्राम, जो यहां पर सामान्य गांव होते थे राज्य के अंतर्गत, इन्हें हम क्या कहते थे, इन्हें हम उर कहते थे। तो यूपीएससी शब्दावली से खेलता है आपके साथ में, अगर कहीं शब्द देखने को मिल जाए उर तो समझ लेना ये क्या है, उर जो शब्द है आपका ये सामान्य गांव से संबंधित है, ठीक है। आगे आप देखेंगे अग्रहार, अग्रहार या फिर ब्रह्मादेह, क्या है यहां पर, यहां पर शब्द है आपके अग्रहार या फिर ब्रह्मादेह या फिर हम कह सकते हैं अथवा अथवा मंगलम, ये क्या है, ये गांवों में ब्राह्मणों की सभा या फिर समा कहलाती थी, ठीक। अग्रहार, ब्रह्मादेह या फिर मंगलम, गांवों के अंतर्गत जो ब्राह्मणों की सभा होती थी फिर शासन चलाने के लिए इन्हें हम कहते थे, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा जाता है ग्रामों के अंतर्गत जो ब्राह्मणों की सभा थी उसे क्या कहते थे, उसे हम अग्रहार, ब्रह्मादेह या फिर मंगलम, इन तीनों में से कोई भी नाम आए उसे आप करेक्ट कर दीजिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे जब आप बढ़ेंगे यहां पर देखेंगे सभा के सदस्य, अब ये जो सभा है आपकी इसके सदस्य पेरुम कल्ल कहलाते थे, क्या है, पेरुम कल्ल कहलाते थे, ठीक है। यहां पर ये आप शब्द देख रहे होंगे पेरुम कल्ल कहलाते थे, ठीक। अब देखो अब यहां पर एक शब्द और देखने को मिलेगा बरियम, बरियम क्या है, बरियम एक समिति होती, क्या होती, बरियम एक समिति होती, इनका कार्य क्या, इसके सदस्य लॉटरी पद्धति द्वारा चुने जाते। अब देख रहे हो यहां पर क्या है, बारियम नाम की एक अलग समिति देखने को मिल रही है और इसके सदस्यों का चुनाव कैसे हो रहा है, इसके सदस्यों का चुनाव यानी कि बारियम के सदस्यों का चुनाव आपको लॉटरी पद्धति पर होते हुए दिखाई दे रहा है, किस पर, लॉटरी पद्धति पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जब आप आएंगे न्यायतंत्र क्या है, यहां पर समिति न्यायिक समिति थी, कौन सी थी, न्यायतंत्र समिति, एक न्यायिक समिति थी, न्यायिक कार्यों से ये संबंधित समिति हुआ करती थी, ठीक है। अब आओ आगे, अब यहां पर आपने ग्राम प्रशासन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कला एवं शिल्प कला के बारे में, चोलकालीन कला और शिल्प कला के बारे में भी यहां पर कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं
जिन्हें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो कला और शिल्प कला की अगर हम बात करते हैं तो सड़कों का व्यापक निर्माण इनके द्वारा किया गया, किनके? चोल शासकों के द्वारा। एक विस्तृत जाल अपने साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ पर बनाया गया, बसाया गया। फिर तंजावुर, गंगाकोंड, चोलपुरम नगर जैसे नगरों की स्थापना की गई। क्या किया गया? तंजावुर, जिसे हम तंजौर भी कहते हैं, और गंगाकोंड चोलपुरम जैसे नगरों की स्थापना की गई। अच्छा, गंगाकोंड चोलपुरम की स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बताया था, एक शासक जिसने अपने पुत्र को कहां भेजा था? अपने पुत्र को गंगा नदी से गंगा जल लाने के लिए भेजा था। कौन शासक था? कमेंट बॉक्स में आपको उसका नाम बताना है। अब यहां पर देखो, चोलों द्वारा जो कला विकसित की गई थी यह क्या थी? आपकी दक्षिण भारत में तो लोकप्रिय थी, साथ में श्रीलंका में भी आपको ये बड़ी मात्रा में लोकप्रिय होती हुई दिखाई देगी। मैंने आपको मैप में दिखाया था, एक बार फिर से मैप आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देखो, चोलों का जो प्रभाव है ये कहाँ है आपका? ये पूरे दक्षिण भारत में लगभग, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, और यहाँ आप देखिए, ये कौन सा क्षेत्र है आपका? ये आपका क्षेत्र है श्रीलंका का पूर्वी, या फिर हम कहते हैं उत्तरी भाग, है ना? पूर्वी कहना गलत होगा, उत्तरी भाग होगा, तो पूरा उत्तरी भाग। और इनकी जो व्यवस्था थी, ये ना सिर्फ आपको पूरे दक्षिण भारत में बल्कि श्रीलंका के या फिर सिंगल द्वीप उत्तरी भाग में भी देखने को मिलेगी। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था या फिर इनकी जो कला, स्थापत्य कला है, ये हमें अपने श्रीलंका वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चोल मंदिरों की विशेषता क्या थी। चोल मंदिरों की अगर विशेषता की बात करते हैं तो इनके विशाल विमान थे। क्या थे? विशाल विमान। अब विमान से ये मत समझना एयरक्राफ्ट होंगे इनके, है ना, प्लेन में बैठ बैठ के उड़ेंगे, बल्कि विमान को हम मंदिर स्थापत्य कला में इस प्रकार से देख सकते हैं। जो बीच की आप संरचना देखते हैं या फिर मंदिर के ऊपर जो आप एक संरचना देखते हैं जो लंबी ऊंचाई तक जाती है, इसे हम विमान कहते हैं। ठीक है, मंदिर गर्भगृह के ऊपर जब आप देखते हैं एक लंबी सी संरचना आपको देखने को मिलती है काफी ऊंचाई तक, तो इसे हम विमान कहते हैं। जब आप दक्षिण भारत के मंदिरों को विजिट करेंगे तब आप पाएंगे वहां पर जो मंदिर है, ये मंदिर आपको छोटे दिखाई देंगे, लेकिन इनके ऊपर जो विमान होंगे, जो इनका ऊपर का शिखर होगा, ये काफी भव्य देखने को मिलेगा। हर मंदिर में आपको यही संरचना देखने को मिलेगी। ये विशेषता थी चोल साम्राज्य के द्वारा निर्मित मंदिरों की। अब यहां पर देखो, ऊंची दीवारों तथा विशाल द्वारों वाला आता गोपुरम कहलाता। मंदिर एक तो गर्भगृह था जिसमें भगवान स्थापित होते, उसी के ऊपर ये आपका जो विमान था इसका निर्माण होता। अब यहां पर देखो, मंदिर के ही प्रांगण में ऊंची ऊंची दीवारें होती और यहाँ पर एक विशाल अहाता दिखाई देता, मतलब विशाल हॉल टाइप में दिखाई देता, जिसे हम कहते कहते जिसे हम गोपुरम कहते। ठीक, चोल कला का चरमोत्कर्ष, या फिर हम कह सकते हैं चोल कला का जो, दो गोपुरम एक प्रकार से एंट्रेंस गेट होगा, उसको भी हम गोपुरम में कह देंगे। फिर जो हॉल आएगा उसे तो आप क्या कहेंगे, हॉल ही कहेंगे, है ना। तो गोपुरम आप देखेंगे, यहाँ पर हमने इसके पहले भी चर्चा की थी। ठीक, अब आ गया चोल कला का चरमोत्कर्ष। चोल कांस्य प्रतिमाओं को कहा जाता है, चोल कालीन जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं क्या है? ये चोल कला के चरमोत्कर्ष को दर्शाती हैं, चोल कला की वैभवता को ये यहाँ पर दर्शाती हैं, यहाँ पर प्रतीत होती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आपसे हमने बात की थी कि किस प्रकार से नटराज की मूर्ति यहाँ पर क्या है, अपने आप में ख्याति प्राप्त है। तो चोल मंदिरों में हमें जो दीवाले हैं इन पर चोल शासकों के द्वारा लिखे हुए इनके खुद के इतिहास प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके मंदिर जो बनाए गए हैं, चिदंबरम मंदिर, कई सारे मंदिर हैं, तो आप देखेंगे इन मंदिरों की दीवारों पर हमें चोल कालीन शासकों के द्वारा निर्मित चित्रकला और लेख मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनके मंदिर इनके इतिहास को बताने के महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे आप देखेंगे सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखेंगे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है चोलकालीन, ये बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर को ही हम राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, तो या तो आप बृहदेश्वर मंदिर कह लीजिए या राजराजेश्वर मंदिर कह लीजिए, तो दोनों में ही आप एक ही मंदिर है ना। इनका तो प्रदक्षिणा पत्र, प्रदक्षिणा पत्र क्या होता है, भगवान बैठे रहते हैं उनके चारों तरफ जो आप परिक्रमा लगाते हैं उसे मार्ग को हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर जो मंदिर है आपके, इसका जो प्रदक्षिणा पथ है, यहां पर आपको चोलकालीन शासकों के द्वारा बनाए हुए चित्र मिल जाते हैं। ये चित्र इनकी वैभवता को दर्शाते हैं। अब आगे देखो, यहां पर चोल कला की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? चोल कला की अगर हम सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति की बात करते हैं तो चिदंबरम की
नटराज की प्रतिमा है, क्या है, चिदंबरम की नटराज की प्रतिमा हमें देखने को मिलेगी। और नटराज की प्रतिमा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे आप, देखिए ये नटराज की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। आपको मैं नटराज की मूर्ति साथ में चोलकालीन अन्य प्रभावशाली मूर्तियों के बारे में यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। ये यहां पर आप देख रहे होंगे, ये नटराज की मूर्ति है, ठीक। क्या है ये नटराज की मूर्ति, चार हाथ है इसमें, एक में डमरू है, एक में अग्नि है, दो हाथ यहाँ पर आप स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने अपने एमसीक्यू में भी बात की थी, इसलिए कहता हूं सभी क्लासेस आपको इंपोर्टेंट है, कोई भी क्लास आप यहाँ पर मिस नहीं कर सकते। कुछ चीजें यहाँ बताई जाती है तो कुछ चीजें हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से अपनी अन्य क्लासों में बता देते हैं, ठीक है। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक सब कुछ आपका क्लियर होगा। अब जब हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आपको कुछ अन्य पहलू देखने को मिलेंगे। राजस्व प्रशासन, अब जब हम चोल शासकों के राजस्व प्रशासन की चर्चा करेंगे तो यहां पर आप पाएंगे मुख्य आय क्या थी चोल शासकों की, चोल शासकों की मुख्य आय भूमि कर के रूप में हमें देखने को मिलती है, किसमें, भूमि कर के रूप में हमें चोल शासकों की मुख्य आय देखने को मिलती है। फिर भूमि कर क्या है यहां पर, भूमि कर यहां पर पूरा उपज का 1/3 भाग था, टोटल यहां पर जितना उपज होता था उसमें से 1/3 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, कह सकते हैं 33% तक यहां पर कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। और देखो यहां पर व्यापारियों तथा पेशेवरों से भी, व्यापारी और जो पेशेवर लोग थे, जैसे कोई कुम्हार था मटके बनाने वाला, कोई यहां पर कौन था, कोई यहां पर बढ़ई था, कोई यहां पर लोहार था, जो पेशेवर लोग थे इनसे और व्यापारियों से भी क्या यहां पर कर की प्राप्ति की जाती थी, इनसे भी टैक्स लिया जाता था। और तो और सुनो, विवाह समारोह पर भी शुल्क लिया जाता था, है ना, विवाह होते थे उन पर भी शुल्क लिया जाता था। तो आप लोग एक अच्छे समय में पैदा हुए हैं कि आप लोग अगर विवाह करने जाएं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर चोल शासन में पैदा होते तो आपको अपने विवाह के ऊपर टैक्स भी देना पड़ता, और बेरोजगार होते तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि आपका विवाह भी हो पाएगा, क्यों, पैसा तो विवाह करने के लिए नहीं है, यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ रहा है तो क्यों विवाह करेंगे, है ना, तो टैक्स से बच जाएंगे। कई लोग जो यहाँ पर लालची लोग होते होंगे वो तो पैसा ना देना पड़े राज्य को, टैक्स ना देना पड़े राज्य को, वो लोग व्यवहार भी नहीं करते होंगे। तो आपको ये विशेषता यहाँ पर देखनी है कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत जो भूमि कर था ये कुल उपज का 1/3 था, और भूमि कर ही राज्य की मुख्य आय का स्रोत था। यहाँ पर व्यापारियों और पेशेवरों से, पेशेवर कौन, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, कुंभकार, ये जो कार्य करने वाले थे इन्हें हम कहते हैं कौन, इन्हें हम कहते हैं पेशेवर, क्लियर। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे विवाह के ऊपर भी आपसे कर लिया जा रहा है। अब यहां पर आप देखो भूमि कर के अतिरिक्त चोल अन्य प्रमुख क्या थे, यहां पर अन्य प्रमुख यहां पर कर लिए जाते थे, ठीक है। यहां पर क्या है, चोल शासकों से अन्य यहां पर कर लिए जाते थे, इनकी यहां पर आपको चर्चा की गई है। सबसे पहले आप देखेंगे आजीव ककसासु, ठीक है, ये क्या था, आजीविकों पर लगने वाला कर था, ठीक है। फिर यहां पर आप देखेंगे बेटी नाम का जो कर था, कौन सा कर, बेटी नाम का जो कर था, ये सार्वजनिक कार्य के लिए ली जाने वाली बेगार थी, क्या थी, बेटी नाम का जो कर होगा ये सार्वजनिक कार्य के लिए ली जाने वाली बेगार होगी। फिर यहां पर आप देखेंगे पाड़ी कावल, क्या है यहां पर, पाड़ी कावल, ये आपका ग्राम सुरक्षा के लिए लिए जाने वाला कर था, ये क्या था आपका, ग्राम सुरक्षा के लिए लिए जाने वाला कर था। मनोईरो, मनोईरो क्या है, ये ग्रह कर था, ठीक है। कडमो क्या था, कडमो की बात करते हैं, सुपाड़ी और बागान पर लिया जाने वाला कर था। पेबरी, पेबरी को हम बात करते हैं, तेलियों से लिया जाने वाला एक कर का रूप था। अब देखो बेटी जो आप देख रहे हैं, बेटी जो सार्वजनिक कार्य थी, यानी कि जो यहाँ पर सार्वजनिक रूप से कार्य किए जाते थे, उस कार्य के रूप में लिए जाने वाला बेगार था। बेगार क्या होता है, बिना परिश्रम दिए किसी से कार्य करवाना, जैसे आप लोग रिजल्ट मित्र आपके लिए क्या करती है, रिजल्ट मित्र की पूरी जो टीम है आपके लिए ये बेगार करती है, आपसे कुछ पारिश्रमिक लेती है, यूट्यूब पर जो इस क्लास को देखता है उससे सब कुछ पारिश्रमिक नहीं लेती, बल्कि जो ऐप पर देखते हैं उससे कुछ लेना प्रारंभ कर दिया है। तो अभी तक हम लोग आपके लिए ऐप पर बेगार करते थे, लेकिन अब लेना प्रारंभ कर दिया, तो यूट्यूब पर जो हम लोग है ये आपके लिए अभी भी बेगार करते हैं। तो क्या करते हैं, बेटी एक प्रकार का बेगार करता जो सार्वजनिक सेवा के बदले में लिया जाता था, ठीक। अब यहां पर सौन्य प्रशासन की बात करते हैं, तो आपने देखा आरंभ से ही जो चोल शासक है ये निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं,
और निरंतर अपने साम्राज्य को यहाँ पर बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इस प्रतिक्रिया में, इस पद्धति में चोल शासक की जो चोल शासकों के लिए महत्वपूर्ण था कि अपने राज्य के अंतर्गत जो सेना है, इस सेना को क्या करें, इस सेना को महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करें, एक मजबूत सेना के तौर पर यहां पर इस सेना को स्थापित करें। तो यहां पर हम देखते हैं सैन्य प्रशासन, यह शासक क्या है, विशाल नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। देखो इनकी जो विशेषता है, इनकी जो सेना थी वो तो मजबूत थी ही थी, बल्कि इनकी जो विशेषता थी, ये नौसैनिक विशेषता के रूप में जाने जाते हैं। किसमें? नौसैनिक विशेषता के रूप में। अब यहां पर समझो, चोल शासक जो है इनके अंतर्गत जो सेना है, एक मजबूत सेना है, इसी के बल पर इन्होंने कई सारे पल्लव, पाल, पल्लव और यहाँ पर आपके कौन थे, चालुक्य और इसके बाद पांडे, इन शासकों को बराबर पराजित किया, गंगा नदी तक अभियान किए इसी सेना के दम पर। और इनकी सेना में कई प्रकार के अंग हमें देखने को मिलते हैं, इसी में से जो नौसेना है बड़ी उत्कृष्ट होगी, इसी के आधार पर चोल शासकों ने अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र पर भी शासक स्थापित किया। इसलिए पेपर में पूछा जाता है कई बार कि चोल शासकों की व्यवस्था क्या थी, तो ये आपकी विशाल नौसेना थी। ठीक है, तो आज समय का अभाव है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में और चोल साम्राज्य के अन्य पहलुओं के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे, आगे तक बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।